उदयपुर में आज बीजेपी के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्री के बाहर जमा हुए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सहकारिता विभाग में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी से सांसद अर्जुन लाल मीना सहित जिला अध्यक्ष रविन्द्र शिमाली, प्रमोद सामर, पारस सिंघवी, जितेंद्र शास्त्री सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कलेक्ट्री के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया और सहकारिता विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं को बताया गया। आरोप लगाया कि एक ही जिले में पक्षपातपूर्ण तरीके से विभिन्न चरणों में चुनाव कराकर सहकारी चुनाव प्राधिकरण राज्य सरकार के इशारे की कठपुतली बनाया गया है। सहकारी चुनाव प्राधिकरण के इस काम को प्रदर्शनकारियों ने सहकारी लोकतंत्र की हत्या बताया है। में सहकारिता विभाग और चुनाव प्राधिकरण द्वारा पिछले लगातार 2 वर्ष से जब चाहे जैसे चाहे मनमाने ढंग से चुनाव कराने की प्रक्रिया जारी है, जबकि लोकतंत्र में एक साथ एक आदेश पे चुनाव होते हैं, वक्त परिस्थिति उपचुनाव होते हैं, परंतु समस्त चुनावों के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है। नित्य प्रतिदिन वोट भंग कर देते हैं, वोट भंग करने के बाद हम न्यायालय से आदेश लाते हैं, तब भी ये अपनी उस विकट परिस्थिति के अंदर हम इसका समाधान देने की बजाय हमारे जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करते हैं। डॉक्टर गीता पटेल लगातार हमारी 15 साल से अध्यक्ष है, उनकी प्राथमिक डेयरी में शाम को जाना, आधे घंटे में बयान लेना, रिपोर्ट जारी करना और रातों रात नए चुनाव की घोषणा करना, जबकि चुनाव तो 9 माह से पेंडिंग थे, तो क्या किसी का इंतजार था? 8वीं पास के सर्टिफिकेट की बजाय अगर कोई 10वीं का देता है तो अमान्य करना, कोई उसके जो डॉक्यूमेंट हम पेश करते हैं उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसको कहते हैं आप कोर्ट से आइए। लगातार इस 2 साल में मैं ऐसा सोचता हूँ सहकारी लोकतंत्र की जितनी हत्या की है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के सत्तारूढ़ दल के सांसद विधायक चुट भाइयों के दबाव के कारण से की है, और एक ही जवाब चुनाव अधिकारी देते हैं कि आप कोर्ट में जाइए, आम आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता। इसलिए हमने अभी जब हमारे यहाँ वार्डों का गठन होने की बात थी, हमने कलेक्टर साहब का कि चुनाव की प्रक्रिया से पहले वार्ड का गठन होकर के चुनाव कराइए, तब वो पूछ रहे हैं उन अधिकारी से कि आप ला करके दीजिए। आज तक मतदाता को, प्रत्याशियों को वार्डों की लिस्टें नहीं मिलना, वार्ड मनमाने ढंग से बनाना, जितनी तानाशाही गुंडागिर्दी सहकारिता लोकतंत्र को कुचलने में ये कर सकते हैं वो की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ ने आज सभी जनप्रतिनिधियों बुला करके राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत कर रही है, जिसमें विभाग और प्राधिकरण की विगत वर्षों में चुनाव की प्रक्रियाएं, उनकी सूचनाएं और उनके परिणाम और उनकी भी आयु आपत्तियों की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं।